नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको केली का पौधा दिखा रहा हूं और इसे लिल्ली भी कहते हैं और अलग अलग भाषाओं में इसे कंदली का पौधा भी कहते हैं। दोस्तों, यह पौधा जो है पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। यह नदी नाला कुआं खाई और कीचड़ भूमि में अक्सर पाया जाता है और बहुत से लोग इसे गमले में घर आंगन में सजावट के लिए भी लगाते हैं। दोस्तों, इसके बहुत सारे प्रजाति हैं, अलग अलग रंग के अलग अलग कलर के फूल भी खिलते हैं। यह लिली का हरा बीज है, देख लीजिए। और वह हरा बीज जब सूख जाता है तो दोस्तों कुछ इस तरह से हो जाता है। और इस बीज के अंदर जो है इस बीज के अंदर मणि जैसा गोल गोल निकलता है। दोस्तों, उस बीज को खोलने के बाद उसके अंदर काले काले इस तरह से बीज निकलते हैं मणि के जैसे, और इसी मणि का जो है माला भी बनता है। तो दोस्तों, ये देख लीजिए, यह कैनी लिली का बीज है जो काले काले हैं और इन्हीं बीजों से दूसरा पौधा भी उत्पन्न होता है, पैदा होता है। दोस्तों, यह वजन में काफ़ी पत्थर के जैसा वजनदार है। दोस्तों, इसके बीज का माला बनता है जिसे तस्बीह भी कहते हैं। दोस्तों, इन्हीं मालाओं भगवान का नाम, अल्लाह का नाम लोग तस्बीह बनाकर रटते हैं, लेते हैं। काफ़ी वजनदार है, देख लीजिए, और इसी से पैदा होता है दूसरा पौधा। तो दोस्तों, अब मैं इसके आयुर्वेदिक उपयोग के बारे में बता रहा हूँ कि इसे किस रोग में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, यह मुझे यहाँ तक इसका नॉलेज है, इसे गठिया के दर्द में इसके पत्ते का पेस्ट बनाकर लेप किया जाता है। करना क्या आपको है, दोस्तों, ये लिल्ली केन लिल्ली का पत्ता ले लीजिए, करीबन एक पत्ता ले लीजिए और उसे पत्थर और सिल में बारीक पीसिए एकदम पेस्ट की जैसा। और पीसने के बाद उसे थोड़ा गर्म कर दीजिए और गर्म करने के बाद डायरेक्ट आप दर्द वाले स्थान पर लेप कीजिए। तो दोस्तों, अगर ऐसा आप कुछ दिनों तक करते हैं तो आपको घुटनों का दर्द में बिल्कुल आराम मिलेगा, घुटने का दर्द भी ठीक हो जाएगा, अंदर का सूजन भी उतर जाएगा। तो दोस्तों, हम अपनी महत्वपूर्ण जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, नमस्कार। पहाड़ी आयुर्वेदिक।